बारातों में डीजे चलाने को लेकर डीजे संचालकों ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया, जिस पर भोपाल इलेक्ट्रॉनिक डीजे बैंड के संयुक्त सचिव राकेश बातम ने कहा कि बारातों में डीजे चलाने को लेकर पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा था, लेकिन अब विधायक रामेश्वर शर्मा ने आश्वासन दिया है कि डीजे बैंड नहीं है, बारातों में डीजे चला सकते हैं। और हम लोग भाई साहब के पास आए थे रामेश्वर जी के पास के पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है कि डीजे बैन है, बारात बैन है। भाई साहब ने तो बोल दिया था कि सब बारातें लगेंगी, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था प्रशासन में, हम लोगों में तो भय का माहौल बना हुआ था, हम लोगों में सब संचालकों में। हम मिलने आए थे कि भाई परमिशन, भाई साहब ने बोल दिया मैं बोल दूंगा सबको, आप बारात लगा सकते हैं, डीजे में बारात लगेगा, डीजे बैन नहीं है, किसी भी तरह से डीजे बैन नहीं है, मतलब डीजे का दूसरा रूप से आप वाहन में साउंड लगा के साउंड चला सकते हैं, इतना आश्वासन दिया भाई साहब। सोशल में डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के, हम लोग के पास वैसे भी 4 लोग होते हैं हमारी गाड़ी पर, सिर्फ 4 लोग होते हैं, ड्राइवर ऑपरेटर और एक वाहन को वो करने वाला, बस उसके बाद ज़्यादा लोग होते नहीं हमारे, तो हम लोग के लिए ऐसे भी ज़्यादा परेशानी हो, बहुत दूर दूर ही रहते हैं लोग, ऑपरेटर अलग होता है, ड्राइवर अलग होता है, गाड़ी वाला अलग होता है। हम तो हमारे पास मशीन लगी है, सैनिटाइजर लगा के हम बारात चलाएंगे, सारे लोगों को जो भी बराती होंगे, अगर नहीं होगा उनके पास मास्क तो उनको मास्क भी देंगे हम अपनी तरफ से, हम मास्क अपने साथ लेके चलेंगे, और हम जो बारात में अगर मास्क नहीं लगाएगा उसको हम मास्क भी वितरित करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।